33 साल की शर्मिंदगी और हर साल करोड़ों रुपए का खर्चा इसके ऊपर हमारे सर पर एहसान रखा वह अलग से। जी हाँ, 1991 से चला आ रहा, लेकिन आज इस दर्द को खत्म किया जा चुका है क्योंकि रिजर्व ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ा ऐलान कर डाला है। दरअसल कुछ ही घंटे पहले रिजर्व ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि अंग्रेजों के पास जो रखा भारत का सोना है उसे आखिरकार 33 सालों के बाद वापस भारत में लाया जा रहा है। यह सोना कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं है, यह करीब 100 टन सोना है। दरअसल भारत सरकार के पास खजाने में लगभग 820 टन सोना है और हम इंग्लैंड से करीब 100 टन सोना वापस मंगा रहे हैं। इससे आप अब अंदाजा लगाइए कि यह कितनी बड़ी क्वांटिटी में सोना था और अब इसे आखिरकार बड़े प्रयासों के बाद भारत वापस लाया जा रहा है और इसे रखा जाएगा रिजर्व ऑफ इंडिया के बोल्ट में, यानी कि अंग्रेजों की तिजोरी से निकलकर यह सोना वापस भारत और भारतीयों की तिजोरियों में आने जा रहा है। लेकिन आपका यह सवाल होगा कि यह सोना है कौन सा और क्यों इसे हमने अंग्रेजों के पास रखा था? क्या यह वह सोना है जो अंग्रेज हमसे लूट कर ले गए थे और अब उसे वापस करने के लिए तैयार है? तो जवाब है नहीं। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत होती है 1991। उसे समय आप जानते हैं भारत के आर्थिक हालात बद से बदतर हो चले थे। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि हमें जरूरत का सामान खरीदने के लिए दूसरे देशों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तभी से भारत का यह सोना अंग्रेजों की तिजोरी में पड़ा था और इसके बदले में बैंक ऑफ इंग्लैंड सोना रखने वाले देशों से एक किराया वसूलता है या फिर सिक्योरिटी किराया लेता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 33 सालों से भारत का यह सोना इंग्लैंड की बैंक ऑफ तिजोरी में रखा था और इसमें रखने के लिए भी हमें हर साल मोटी रकम चुकानी पड़ती थी, यानी कि वह हमारे सोने की रखवाली करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए हमसे वसूलते थे। बात सिर्फ पैसे और सोने की नहीं है बल्कि इज्जत की है, क्योंकि इससे संदेश जाता था कि भारत का सोना दूसरी बैंकों में पड़ा हुआ है क्योंकि भारत सुरक्षित नहीं है। जब यह अपना ही सोना सुरक्षित नहीं रख पाते तो यह अपने देशवासियों की सुरक्षा क्या खाक करें। इसके अलावा इंग्लैंड हम पर एहसान भी रखता था कि हम आपके सोने की रखवाली करते हैं, आपका देश तो अपना खजाना भी नहीं संभाल पाता। लेकिन यह पूरा मामला नहीं है। पूरा मामला तो मैं आपको अब बताता हूं। दरअसल यह अकेला सोना नहीं है जो देश के बाहर है। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत के पास टोटल सोना 824 टन है। इनमें से सिर्फ भारत के पास 308 टन सोना मौजूद है, बाकी सोना हमने दुनिया के अलग अलग देश की बैंकों में जमा कर रखा है। कितना है सोना? करीब 514 टन। जी हाँ, जितना भारत में सोना हमने रखा है उससे दुगना सोना हमने दूसरे देशों में जमा कर रखा है, जो कि यूरोपीय यूनियन की बैंक है, कई और अमेरिका और साथ ही साथ रसिया में भी हमने कई टन सोना जमा कर रखा है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब सरकार ने कमर कस ली है और सारा का सारा सोना अब देश में लाया जाए। जिस भारत को कुछ समय पहले कमजोर समझ जाता था, आज इस भारत में एक लंबी छलांग मेरी है कि बड़े बड़े विकसित देशों के होश उड़ गए हैं। यहां तक कि भारत की सोने की चिड़िया तबाह करने वाले अंग्रेजों के पैरों के नीचे से जमीन कैसे गई है। कुदरत ने उनकी ऐसी बैंड बजाई है कि उनके साथ पूछते भी चोरी करना भूल जाएंगी। दोस्तों, भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है, क्योंकि भारत कभी भी दिखावा नहीं करता, इसीलिए भारत की ताकत को भांपना मुश्किल हो जाता है और जब समय आता है तब भारत अपनी शक्ति दिखाकर पूरी दुनिया को सदमे में डाल देता है। यही कारण है आज दुश्मन देश डरे हुए रहते हैं। आपने ये बात तो सुनी होगी कि सऊदी ब्रिटेन में लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं और सोने का इस्तेमाल किया जाता है। कोई सोने का हेलीकॉप्टर बनवा रहा है, तो कोई सोने का महल बनवा रहा है, तो कोई सोने के कपड़े पहन रही है। लेकिन भारत और जापान जैसे देश में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा और इसी बात से जज कर लिया जाता है कि भारत और जापान जैसे देश तो गरीब हैं, भारत के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज एक ऐसी रैंकिंग निकाल कर आई है जिसे सभी देशों का मन चेंज कर दिया है। दरअसल ECC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक ऐसी ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें बताया है कि किस देश के पास कितना सोना है और रैंकिंग कितनी जबरदस्त है। यह देखकर आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। और तो और, भारत का जो सोना चुराकर अंग्रेज उछल रहे थे, ECC ने उनकी ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसे आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। सदियों से सोना सभी का सबसे पसंदीदा धातु रहा है, क्योंकि यह दुर्बल है और कुछ खास जगह पर ही पाया जाता है, और साथ ही साथ
कच्चे गोल्ड से प्योर गोल्ड में बदलने की जो प्रक्रिया है वह काफी जटिल है। यही वजह है कि सोने की कीमत हर देश में आसमान छू रही है। आज हालत तो वह हो गई है कि दुनिया भर की रिजर्व बैंक इस कदर सोना खरीद रही है मानो कि सोना खत्म ही होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो यह बैंक कर रही है वह सही कर रही है, क्योंकि सोना खत्म ही होने वाला है, क्योंकि खदानों में 5 टन ही सोना बचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ECC ने एक ऐसी रैंक जारी की है, इसके बारे में सुनने के बाद आप भारत पर गर्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे से, यानी कि सऊदी अरब से। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सऊदी अरब में कुल 330 टन सोना है। उनके रिजर्व के अंदर वह पूरी दुनिया में 16 नंबर पर है, और भारत जैसा देश जिसे सोने की चिड़ियां कहा जाता था उसे यह पूरी तरह से नष्ट करके गए। यहां तक कि चीन, जो अच्छा खासा देश था, उसे ड्रग्स की लत लगा दी और उस देश को भी तबाह कर डाला। और इतने बड़े बड़े देशों को तबाह करने के बाद आज स्थित है यूनाइटेड किंगडम टोटल गोल्ड रिजर्व मात्र 310 टन रह गया है, यानी कि यह दो सऊदी अरब से भी पीछे हो गए हैं, और यह पूरे वर्ल्ड में 17 स्थान पर है। हम केवल इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि UK में कई देश आते हैं। अगर हम केवल इंग्लैंड की बात करें जिसने पूरे वर्ल्ड को लूट खाया, तो वह इसे भी नीचे चला जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी का माल मोरी से निकलता है। तो खैर, यह तो रही ब्रिटेन की बात, लेकिन यूरोप के देशों की भी अच्छी हालत नहीं है। उन देशों के पास भी मात्र 280 टन सोना है और दुनिया में विश्व में नंबर पर है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। इसके बारे में आपने शुरू में देख लिया होगा कि भारत 824 टन सोने के साथ 9 नंबर पर स्थान बनाए रखा है। लेकिन भारत का यह सोना और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत अन्य देशों से सोना खरीदने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी रूस और सऊदी अरब में सबसे बड़े सोने के भंडार मिले हैं, और भारत की इन देशों से अच्छी खासी बनती है, और भारत इनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, और भारत से यह गोल्ड प्योर करने वाला मशीन भी लेंगे, इसीलिए भारत को इन देशों से सोना लेना आसान होगा। आपने शुरू में जाना, भारत ने इंग्लैंड से अपना 33 साल पुराना सोना भी वापस मंगा लिया है। और बात करें हम नंबर वन की, तो नंबर वन रैंक मिली है अमेरिका को। तो दोस्तों, क्या भारत आने वाले समय में अमेरिका को पछाड़ पाएगा या नहीं, इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताओ। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।